हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भूगोल में जलवायु सेक्शन से। जलवायु हमारा आज का विषय रहेगा और सभी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट को आगे बढ़ाने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे यूजफुल आपको वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाइए एक प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट को वॉच करना। घटना चक्र एक बुक है जिस बुक में आपके आपको बहुत सारे वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एसएससी द्वारा पूछे गए थे कई बार। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपके पास समय बहुत कम है तो। अगर समय बहुत अधिक है तो सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रांग करिए। बेस आपका होगा लूसेंट बुक से, जीएस की जो नीले कलर की जो छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, उस पर फोकस करिए, उसको ख़त्म करिए, उसके बाद आप आइए घटनाचक्र बुक में। और घटनाचक्र के तमाम वीडियो जो भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे उन सबको तरीके से देखिए, तरीके से इन द सेंस के ध्यान से देखिए और उसके नोट्स बनाइए और नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप केवल भगवद गीता की तरह आप इसको सुन रहे हैं, प्रवचन मेरा आपको लग रहा है, इस तरह से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, केवल वॉच करा और क्लोज करा, कोई नोट्स नहीं बनाया, कोई रिवाइज नहीं करा, तो इस तरह से बच्चों तैयारी नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसलिए प्लीज़ मेहनत से कतराओ मत, क्योंकि कीमत तो चुकानी पड़ेगी आज नहीं तो कल। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जलवायु। क्वेश्चन नंबर वन, भारत के भूभाग के कितने परसेंट भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, यह पश्चिमी राजस्थान। आप याद रखिएगा सूखा भाग कौन सा है, यह आपका पश्चिमी राजस्थान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कि भारत की जलवायु है, किस प्रकार की भारत की जलवायु है, विषुवतीय, भूमध्य सागरीय या फिर महाद्वीप या फिर मानसूनी। तो हमारी जलवायु किस प्रकार की है, यह है मानसूनी। आप याद रखिएगा जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यह है महासागरीय धाराओं का। कोई भी प्रभाव भारत की जलवायु पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है, ये रहता है पश्चिमोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं, ये होती है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने के कारण। क्वेश्चन नंबर सेवन कि तटवर्तीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो उसका राइट आंसर होगा चक्रवात। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए इससे संबंधित रुकिए, क्वेश्चन नंबर एट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको कोरोमंडल तट कौन सा भाग है, तमिलनाडु तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। आपसे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं, तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, जहाँ पे 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर नाइन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तो उसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की, वन की प्रकृति दी गई है और क्षेत्र दिया गया, उसका हमको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2143। आप याद रखिएगा 2143, तो इसका राइट आंसर होगा 2143। ठीक है, तो जो मैंग्रोव जो
आपकी वन की प्रकृति है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, और इसको आप प्लीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डी डी जो है आपका मैनग्रोव वन की प्रकृति पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो वैसे याद कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित जो क्षेत्र है ये होते हैं शिलोंग में, मानसून शिवालिक समशीतोष्ण नीलगिरी और मैनग्रोव होते हैं पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है, वायुमंडल में जो गर्मी आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। बिल्कुल सही है, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, ये भी सही है। वे अपतट पवने हैं, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्यों, क्या रीजन है, ए बी सी, ये सभी रीजन यहाँ पर हैं। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया SSC FCI 2012 की परीक्षा में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा, तो उसका राइट आंसर है गारंटित अधिकतम दाब। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे अधिक फसल रही, हरित क्रांति जो थी सबसे अधिक फसल कहाँ कहाँ की रही, ये रही पंजाब की, हरियाणा की और यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए, चावल गेहूं ज्वार बाजरा और मक्का। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था, हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो सभी फसल के लिए हुई थी, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का वो पड़ा था गेहूं के लिए, याद रखिएगा गेहूं के लिए। कुछ सीमा तक इसका असर चावल पर भी पड़ा लेकिन प्रायोरिटी मैक्सिमम थी गेहूं की और सेकेंड नंबर पे रहा आपका चावल। अगर आपको ऑप्शन में गेहूं नहीं देता है तो आपको चावल चूज करके आना है क्योंकि आपके पास गेहूं ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में कभी कभी आपको देता है ऐसा कि चावल दाल गन्ना या फिर आपको देगा कोई और कोई फसल का नाम, तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा आपको गेहूं। अगर गेहूं होगा तो सेकेंड नंबर पर रहेगा चावल, अगर चावल होगा तो आपको चावल पे आंसर लगा के आना पड़ेगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है, इसका नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। देखिए हरित क्रांति का एक अन्य नाम से भी जानते थे लोग उस टाइम पे, उसको बोलते थे बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति स्टार्ट हो गई है, तो मतलब कि हरित क्रांति स्टार्ट हो चुकी है। इन सब में ये सभी शब्द क्या थे, समाहित थे, हरित क्रांति में बीज भी था उर्वरक भी था और सिंचाई क्रांति भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है, HYV को का अन्य नाम क्या है, या HYV कार्यक्रम को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, या अन्य किस नाम की संज्ञा दी गई है। कुछ भी वर्ड वो यूज कर सकता है, क्वेश्चंस भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे आपके सामने आपको डिस्प्ले पे प्रेजेंट कर सकता है SSC डिपार्टमेंट, बट आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता है HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का। बस ये तभी होता है जब आप ध्यान से किसी चीज को सुनेंगे तब। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा, मतलब सुगर बाउल, सुगर बाउल चीन का कटोरा, चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीनी मिलती है। आगे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा, लो जी अब धान का कटोरा आ गया, पहले क्या था चीन का कटोरा, अब क्या आ गया, अब आ गया आपका धान का कटोरा, तो ये बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, यह है आपका वृष्टि, यह है आपका वृष्टि। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, यह है आपका दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से।
तो पहला जो चरण है वो है 1970 से 80 के बीच में, सेकंड जो चरण आया वो है 1981 से 85 के बीच में, और तीसरा जो चरण था वो था 1985 से 1996 के बीच में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, व्हाइट क्रांति किससे संबंध रखती है? तो ये रखती है दुग्ध उत्पादन से, आप याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन से देखिए, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है क्या? 60% से 70% तक, 60 से 70। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमसे ये कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? ये है 50%। और नीली क्रांति संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से। और बात करते हैं ब्लैक क्रांति की, ब्लैक क्रांति जो संबंधित थी वो थी आपकी पेट्रोलियम से, क्योंकि पेट्रोल का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। आपके सामने जब आप अपने किसी बाइक में, किसी स्कूटर में या फिर अपनी स्कूटी में डलवाते हैं तो आपको दिखाई देता है वो येल्लो होता है, बट उसका स्टार्टिंग बेस जहाँ से वो चट्टानों से निकलता है तेल, उस टाइम पे वो ब्लैक होता है, उसके बाद में उसको प्योरीफाई करा जाता है, उसके बाद में वो येल्लो बनता है। तो ये अलग है, फिलहाल ये आपको याद रखना है। एक होती है आपकी राउंड क्रांति, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, गोल क्रांति जो संबंधित होती है वो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है क्रांति से संबंधित। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है या फिर क्रांति आपको याद है तो कोई बात नहीं, वो वीडियो मत देखिएगा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, राउंड क्रांति में बताने जा रहा था आपको कि राउंड क्रांति किससे संबंधित है। राउंड क्रांति क्या होती है? राउंड का मतलब होता है गोल, ठीक है ना? और गोल क्रांति किससे संबंधित होती है? आलू से, याद रखिएगा, आलू से। आगे बात करते हैं, सिंधु नदी का उद्गम होता है किसमें? यह होता है कैलाश पर्वतमाला से। और निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यह है सतलुज। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? तो ये क्वेश्चन है डाउटफुल। अब क्वेश्चन डाउटफुल क्यों है? देखिए, कभी कभी SSC एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे SSC डिपार्टमेंट को खुद कंफ्यूजन हो जाती है। पहले तो नहीं होती है, लेकिन एग्जाम जब कंडक्ट हो जाता है, बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, वो RTI मारते हैं, डिपार्टमेंट को मेल करते हैं कंटिन्यू। तो उसके बाद बोर्ड बैठता है, SSC बोर्ड, फिर ये डिसाइड करता है कि ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज बच्चों को कर गया और इसका ABCD में से कोई भी आंसर नहीं होगा, तो इस केस में क्या करा जाए? तो इस केस में डिपार्टमेंट केवल यही करता है कि सब बच्चों को एक एक नंबर दे देता है सबको, मतलब जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा उनको एक नंबर पक्का मिलेगा, चाहे उनका वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा क्वेश्चन उनको कोई भी नंबर नहीं देता SSC डिपार्टमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यह है आपकी सिंधु नदी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहते हैं? यमुना को बोलते हैं खुला नाला। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक क्या है? प्रदूषित नदी है, काफी गंदी नदी है, इसको मैक्सिमम लोगों ने अब गंदा कर दिया है। भारत में कौन सी नदी विभ्रस घाटी में बहती है? तो इसके लिए काफी डाउटफुल हमारे पास क्वेश्चंस अगेन ये आ गया, स्टार का मतलब डाउटफुल। देखिए, भारत की नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां अधिकांश अभ्रष्ट घाटी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में गिरती है। याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का सोख भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बंगाल का सोख किस नदी को कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी, क्योंकि इसमें प्राय क्या आती है? तबाही आती है, ये पूरे के पूरे आसपास के जो भी गांव होते हैं उनको तबाह कर देती है और आसपास के जो भी खेत वगैरह होते हैं उन सबको बहा कर ले जाती है। बंगाल का सोख वाली नदी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दामोदर नदी को। आप याद रखिएगा, कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है क्या? देवप्रयाग। याद रखिएगा, देवप्रयाग। भगीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहां से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग में। 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, बात करते हैं हम लोग, भगीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देखिए, पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, तो लैंग्वेज वो चेंज करेगा, ये SSC डिपार्टमेंट का कॉपीराइट है, वो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेगा, चेंज करके ही प्रेजेंट करेगा। आपके अंदर इतने स्किल्स डेवलप होने चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो घुमा फिरा कर पूछेगा, तब भी हम अपना राइट आंसर लगा के आ जाएंगे।
ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका पक्का लगेगा। देखिए क्वेश्चन हमने अभी देखा था ये वाला, और इसमें इसमें लैंग्वेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सच में फर्क नहीं है। आप खुद पढ़ के देखिए, दो बार वीडियो को पॉज करिए, खुद पढ़िए, आप बोलोगे यार बात तो सही है। तो रियल में बात सही है, और इस बात जो सही है उसको एक्सेप्ट करिए। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, वो पूछेगा। अब आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए, और ये होगा प्रैक्टिस से। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ये है गंगा। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? इसका नाम है कोसी। और बिहार का विषाद मतलब शोक कौन सी नदी को कहते हैं? इसको बोलते हैं कोसी नदी को, बिहार का शोक बोलते हैं। और बंगाल का शोक किसको बोलते हैं अभी हमने देखा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, अभी मात्र इस क्वेश्चन को बताए हुए एक मिनट से ऊपर नहीं हुआ, शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा से वॉच करिए, आप काफी लापरवाही से स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप काफी लापरवाही से देख रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप खुद को चेक करिए कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अगर आपको अभी इसका आंसर देना है, अभी तुरंत आप इसका आंसर भेज सकते हैं कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 20 की, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यह है ब्रह्मपुत्र। और क्वेश्चन नंबर 22, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी बनाती? नो डेल्टा कौन सी रिवर नहीं बनाती है? ताप्ती नदी, गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी क्या है? डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर है 23 की, निम्न में से कौन सा राज्य है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कावेरी नहीं मिलती है, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी मिलती है अरब सागर में जाकर के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका नाम है सोन। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए काफी क्वेश्चन डाउटफुल आते हैं एसएससी एग्जाम में, यहाँ पे ये बुक हमको ये बता रही है कि इस क्वेश्चन में डाउट था। अब देखिए बात कर रहा है कि सहायक नदी और मुख्य नदी कौन सी है, उसके बारे में हमको मिलान करना है। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे डिस्कस ओनली एंड ओनली इसके डिस्क्रिप्शन में जो इसकी डिटेल बताई गई है केवल इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि चंबल यमुना की एवं मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सोन नर्मदा की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। सोन जो है नर्मदा की नहीं है बल्कि क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर गंगा की सहायक नदी है सोन, लेकिन गंगा ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, आप याद रखिए कोई भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा खनिज संसाधन। पहले हमने बात करी जलवायु के बारे में, अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में कि खनिज संसाधन से संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है उसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जादू गुड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से। यूरेनियम के खनन कहाँ से होता है? तो ये होता है जादू गुड़ा खान से। देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है झारखंड राज्य में है। राज्य के सिंह भूमि तथा टाटा नगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। तो जादूगुड़ा कहाँ पर है ये पूछ सकता है आपसे, और किस चीज के लिए फेमस है ये भी पूछ सकता है। आपको याद रखना है यूरेनियम के खनन से यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा जो स्थान है काफी ही फेमस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं कहाँ पर? तो ये पाए गए हैं कर्नाटक में। कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आपके कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुम्बलपल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? इसका राइट आंसर है यूरेनियम निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुम्बलपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? सबसे बड़ी यूरेनियम खानों में यह स्थान आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है भारत में। अब मैं आपको बता दूं कि अभ्रक होता क्या है। आपने कभी देखी होगी लोहे की प्रेस जिसपे आप कपड़े प्रेस करते हैं, वो वाली प्रेस। तो लोहे की प्रेस जब आप खोलते हैं तो उसके बीच में एक पतली सी शीट लगी होती है, उसको बोलते हैं अभ्रक। तो ये क्या करता है, अभ्रक हमारे भारत में मैक्सिमम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक्चुअली बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अधिकांश मात्रा में केवल पाया जाता है अभ्रक ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? वो है पेट्रोलियम। ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक क्रांति अभी बात करी थी हमने। अब हम बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, और कोयले का सबसे बड़ा भंडार
किस राज्य में है? ये है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर देखिए, झारखंड में देखिए यहाँ पर कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? झारखंड में। और कितने कितने मिलियन टन का कोयला वहां से हमको मिलता है? झारखंड से इतने टन का, मिलियन टन का बल्कि, ठीक है, मैक्सिमम क्या है? झारखंड। तो आप याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन से। बात करते हैं पन्ना, मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, पन्ना है आपका मध्य प्रदेश में और एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ये होती है हीरे की खान। एक गाना आपने सुना होगा कि हीरा है क्या, एक सॉन्ग था इस टाइप का कि हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, कुछ ऐसी पन्ने की तमन्ना। तो हीरा पन्ना, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना, ये याद रखिए, हीरा पन्ना मध्य प्रदेश। हीरा पन्ना गए कहाँ पर? मध्य प्रदेश में घूमने के लिए। तो हीरा आदमियों का नाम भी होता है और पन्ना क्या होता है? पन्ना भी आदमियों का नाम कभी कभी होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हीरे की खाने पाई जाती है कहाँ पर? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कितना डिफरेंस आ गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसके अंदर कॉमन सेंस है वो फटाफट इसका राइट आंसर लगा देगा। आई होप आपके अंदर कॉमन सेंस होगा, आप काफी ईमानदारी से स्टडी करते होंगे और आई होप आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने भी वाला होगा या फिर मे बी आपका हो भी गया होगा। तो ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि डिफरेंस क्या है, कितना कॉमन है, कितना सेम है वगैरह वगैरह। डायरेक्ट मैं आता हूँ उसके आंसर पर कि इसका आंसर है मध्य प्रदेश की पन्ना में हीरे की खाने पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं कि केंद्र मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क मतलब स्तरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? यह मंगलोर। और कुंद्रे मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्मित होता है? ये होता है मंगलोर से। और भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? ये करता है जापान। भारत जो है लौह अयस्क का निर्यात मतलब लोहे का आइटम किसको मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है, उस देश का नाम बताओ? उस देश का नाम है जापान। याद रखिएगा उस देश का नाम क्या है? जापान। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में कि विगत वर्षों में भारत लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक बन गया है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को होता है। अन्य देश जिन्हें भारत द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है उनमें से कौन कौन से हैं? जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी। देखिए आपको ना ये सभी नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में देखिए क्या करता है कि एसएससी डिपार्टमेंट काफी स्मार्ट है। ये तो आप मानते हैं कि आपसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि भैया आपको एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो वो कुछ तो दिमाग रखता होगा ना, कुछ क्या, वो बहुत दिमाग रखता है डिपार्टमेंट। एक्चुअली बात ये है, अब देखिए आपको पता है जापान आपने रट लिया बिल्कुल, जापान, जापान को क्या करता है? अयस्क निर्यात करता है। अगर जापान नहीं देगा, अगर कोई इसने दे दिया ऑप्शन चार, जापान वहां से छुपा लिया, तो आपको और भी नाम पता होने चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आपको दे देगा जर्मनी, तो आपको सेकंड नंबर में क्या, आपको जर्मनी लगा के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस हैं बिल्कुल नो, कोई निर्यात नहीं करता, केवल आया, केवल जो करता है एक्सपोर्ट वो करता है जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका और म्यांमार को, इन सबको क्या करता है? निर्यात करता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं ऑप्शंस में, इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकता है, आपको राइट आंसर चूज करना है उसमें। बात करते हैं खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, क्या रीजन है उसका, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, ठीक है। वो आपको बोलेगा खेतड़ी विख्यात है किस चीज के लिए, इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा। और खेतड़ी है कहाँ पर, ये किस जगह पर पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में और ये तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछता है कि मैक्सिमम तांबा कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है खेतड़ी में, राजस्थान में। और बात करते हैं सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला मतलब रिफाइनरी कहाँ पर है, ये है डिगबोई। याद रखिएगा डिगबोई। अब डिगबोई की स्थापना जो हुई थी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में करी गई थी। आपसे स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है, तो आपको याद रखना है डिगबोई की जो स्थापना हुई थी वो थी आपकी असम ऑयल कंपनी ने 1901 में की थी। और यह विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला है। सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है और कहां पर है, कब करी गई इसकी स्थापना, तो यह है आपकी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा करी गई 1901 में। और ये सबसे पुरानी क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग जो है रिफाइनरी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत में तेल की पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। देखिए क्वेश्चंस अगेन रिपीट करा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज अगर वो करता भी है तब भी हमको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा उस पर फोकस बनाएंगे, तो आपको उसकी लैंग्वेज से आप बिल्कुल भी गुमराह नहीं हो सकते और ना ही आपको होना है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम राज्य में काम कर रही रिफाइनरी की संख्या है कितनी? चार। असम में टोटल कितनी रिफाइनरी है, तो वो है चार।
देखिए, अब हम बात करते हैं केवल वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे अब तक। देखिए, घाघरा नदी का उद्गम नेपाल के माप चाचुंग हिमानी से निकलती है। जो उसकी घाघरा नदी की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? नेपाल में एक हिमानी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका माप चाचुंग। एक हिमानी है, यहाँ से ये नदी निकलती है। और कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है पूछ सकता है कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो ये होता है नेपाल में। और कहाँ पर, कौन सी हिमानी पे, उसका नाम क्या है? माप चाचुंग। आगे बात करते हैं कि घाघरा गोमती कोसी तथा बेतवा में से मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? उसका नाम बताइए। उसका नाम है बेतवा। आपको चार ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, आपको राइट आंसर लगा के आना है बेतवा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नर्मदा ताप्ती तथा दामोदर नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। याद रखिएगा, नर्मदा ताप्ती और दामोदर कौन सी घाटी से होकर बहती हैं? तो इसका नाम है आपका रिफ्ट वैली। इसको बोलते हैं विभ्रंश घाटी। आपको या तो रिफ्ट वैली देगा, विभ्रंश घाटी देगा, तो आपको दोनों में से कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों में से कुछ भी देगा, आपको पता होना चाहिए नर्मदा ताप्ती और दामोदर नदी क्या होती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। आगे बात करते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का सोख कहा जाता है। अब तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों आपसे। अभी आ गया ना आपके सामने आंसर इसका, अब मत भेजना, ठीक है? क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाण आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अव नालिका अपरदन के कारण चंबल के खादर खंड बने हैं। मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा होती है। मेघना नदी किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? आपको चार ऑप्शन देगा, तो आपको राइट आंसर याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भगीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी जो है वो है सोन नदी, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ज्वार नद मुख बेला संगम बनाती है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कोसी है, और भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कृष्ण नदी के जाल के बंटवारे कृष्ण नदी का जो जल का जो बंटवारा है उसको लेकर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में क्या हो गया, विवाद स्टार्ट हो चुका है। तो कृष्ण नदी का जल किस किस को मिले, कितना कितना परसेंट मिले, तो उस चीज को लेकर के विवाद चल रहा है। किस किस के बीच में? आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटक के बीच में और महाराष्ट्र के बीच में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नोक्त नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम निम्नानुसार कौन कौन सा है? बात कर रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदियां बहती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण से पूर्व की ओर से क्रमानुसार कौन कौन सी नदियां हैं? पहली है कावेरी, फिर है कृष्णा नदी, फिर है आपकी गोदावरी और फिर है महानदी। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब मत करना। अब आप बोलोगे मत करना, बड़ी अजीब बात कह रहा है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र के सभी वीडियो आप देखिए, और उन सभी क्वेश्चंस के अगर आप नोट्स बना सकते हैं, ईमानदारी से पढ़ सकते हैं, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को जरूर। अगर आपको लग रहा है कि कभी एक दिन इस चैनल पे हैं आप लोग, दूसरे दिन दूसरे चैनल पसंद आ गया आपको, आपके एक्चुअली पसंद बहुत फ्लक्चुएट होती है कुछ बच्चों की, ठीक है? अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, तैयारी करना चाहते हैं तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेकिन कंडीशन एक ये भी है कि कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो अपने फ्रेंड से उसको शेयर प्लीज जरूर करिए, ठीक है? जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको शेयर प्लीज जरूर करना, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। अब पढ़ने के दो तरीके हैं आपके पास, तरीके मैं बता रहा हूँ ध्यान से आपको सुनिएगा। एक तरीका ये है कि आपके पास टाइम कम है तब क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। एक तरीका ये है कि टारगेट सेट कर रखा है अपने 2018 का एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है। दो तरीके हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पे फोकस करिए, जो है आपके लिए घटना चक्र प्लेलिस्ट, ठीक है? टाइम आपके पास बहुत अच्छा है तो आप सबसे पहले खत्म करिए लूसेंट वीडियो की प्लेलिस्ट है, लूसेंट की जितनी भी वीडियो है आगे वो बन रही है और बनती रहेंगी, थोड़ा टाइम रहेगा उसमें, उन सभी वीडियो को देखिए, ऑडियो फाइल को देखिए लूसेंट की, और उनके नोट्स बनाइए सुन सुन के देख देख करके अपने साइड में। उसके बाद आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट को पकड़िएगा अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो सिंपल घटना चक्र की प्लेलिस्ट है उसको देखिए। और एक प्लेलिस्ट इसमें और है वन लाइनर जीके की,
उसको देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं, 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र के साथ में आपको वन लाइनर GK की भी प्लेलिस्ट देखनी देखनी पड़ेगी। सारे वीडियो उसमें से वॉच करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो में हमने केवल वो क्वेश्चन देखे जो SSC में पूछे गए थे, लेकिन बेस स्ट्रांग होगा आपका उन सब वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन।